किसान भाइयों नमस्कार, मैं उन्मेश तहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज मैं अपने छत में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारा फूल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ दोस्तों ईस्ट के बारे में। देखिए ईस्ट क्या होता है ना, ईस्ट एक प्रकार का कवक है जिसको हम लोग फंजाई बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट का ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सोर्स है जिसको हम लोग एज अ फीड तालाब में यूज़ करते हैं या फिर मछली के दाना में यूज़ करते हैं। एज अ फर्टिलाइज़र हम इसको अपने तालाब में डालते हैं। एज अ वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ईस्ट का जो पाउडर होता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ईस्ट को हम लोग दोस्तों फिश मील को रिप्लेस करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिश मील बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो उसको कम्प्लेक्स उसको रिप्लेस करने के लिए उसको उसकी जगह हम लोग ईस्ट पाउडर को फीड सोर्स के रूप में, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं अलग अलग इसका प्रयोग कैसे करते हैं उसको मैं बात करूँगा। अगर हम लोग फिट की बात करें तो हम लोग सप्लीमेंट्री फिट के रूप में ईस्ट को अपने फीड में मिलाकर डालते हैं, जिसको हम लोग फीड प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट एक प्रकार की प्रोबायोटिक ही है, ये भी एक जीवित जंतु उसमें उपस्थित होती है जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। ये ईस्ट है आपका सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। आपने देखा होगा जब हम लोग आप डोसा या फिर इडली खाते होंगे तो उसको रात में हम लोग उसमें ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है ताकि वो फर्मेंटेड हो। उसी प्रकार जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी ईस्ट का प्रयोग होता है। तो एज अ फीड सोर्स उसमें ईस्ट को हम लोग अपने फीड में मिला करके मछली को खिलाते हैं। ये मछली के शरीर में पहुंच करके मछली की इम्यूनिटी, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये एज अ बैक्टीरियोसाइडल भी हम लोग अपने तालाब में डालते हैं। अगर आपको अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है तो ईस्ट को एज अ प्रोबायोटिक्स हम लोग अपने तालाब में प्रयोग कर सकते हैं। तालाब में ईस्ट पाउडर डालने से जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है ये उसको मारती है, साथ ही साथ आपके अमोनिया लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी आपकी ईस्ट पाउडर है वो ज़िम्मेदार होता है। बहुत जगह हमने ये आपको बताया है कि ईस्ट को जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं उस दौरान भी हम लोग मैन्यूर के रूप में थोड़ी मात्रा में ईस्ट और गुड़ का प्रयोग करते हैं। देखिए ईस्ट क्या करता है, आपके जो गोबर या फिर कोई भी जो मैन्यूर है उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम आपकी ईस्ट पाउडर करती है, और वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ती है, जिससे जब हम लोग उसको तालाब, इसीलिए आपको कहा जाता है कि 3 दिनों तक आप अपने मैन्यूर को, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसको सड़ा करके आप अपने तालाब में डालिए। इसका मेन कारण क्या है, 3 दिनों तक जब ईस्ट आपके गोबर या फिर कोई भी प्रकार की मैन्यूर से रिएक्ट करती है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको तोड़ करके वो सिंपल फॉर्म में बना देती है, और जैसे ही उस घोल को हम लोग अपने तालाब में प्रयोग करते हैं तो वो तुरंत आपके प्लैंकटन बनाने में मददगार होती है, क्योंकि प्लैंकटन को डेवलप करने के लिए भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब की सभी की ज़रूरत पड़ती है, और जो गोबर या किसी भी प्रकार के जो मैन्यूर होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको तोड़ती है कौन, ईस्ट तोड़ती है। फिर उसको जो जो आपकी फाइटोप्लैंकटन या फिर जो प्लैंकटन है वो उसको ग्रहण करके, खा करके अपनी संख्या को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है कि फीड सोर्स के रूप में हम लोग ईस्ट का प्रयोग कैसे करें। फीड में हम लोग ईस्ट का जो पाउडर होता है उसका हम लोग अगर थोड़ी मात्रा में प्रयोग करें तो वो क्या करता है, आपके मछलियों के शरीर में पहुंच करके मछली की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाती है। जैसे हम लोगों को ठंड में, गर्मी में कहा जाता है कि आप दही का सेवन करिए, दही से क्या होता है हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, और दही में भी एक प्रकार की प्रोबायोटिक्स की मात्रा होती है ना, दही में भी जीवित जंतुएं जो जिसको हम लोग प्रोबायोटिक बोलते हैं वो उपस्थित होता है, और वो आपके शरीर में पहुंच करके आपके गट हेल्थ को अच्छी रखती है। उसी प्रकार जब हम लोग ईस्ट को एज अ प्रोबायोटिक्स फीड में मिला करके खिलाएंगे तो वो मछली के पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मछली की जो हम लोग उसको सप्लीमेंट्री फीड देते हैं उसको पेट में अच्छे से तोड़ करके मछली के शरीर में अच्छे से वो ऑब्जर्व होती है, वो मछली उसको अच्छे से सोखती है।
तो डायरेक्ट आपके ईस्ट को मछलियाँ खाती है, साथ ही साथ ईस्ट आपके फीड को भी तोड़ने का काम करती है। आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, जिसको हम लोग आहार नाल बोलते हैं, मछली के शरीर में पहुंच करके मछली के खाने को पचाती है, मछली को प्रोटीन भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ मछली के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी आपके ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी वजह से ईस्ट को हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र सप्लीमेंट सॉरी एज अ सप्लीमेंट्स हम लोग प्रोटीन सोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ मछली के गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हम लोग ईस्ट पाउडर, जो फीड जो प्रोबायोटिक्स होता है या फिर ईस्ट होता है, उसको हम लोग अपने खाने में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों, आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे ये इम्प्रूव करती है। आपने देखा होगा जो वाटर प्रोबायोटिक्स होता है, वाटर प्रोबायोटिक्स में ईस्ट की मात्रा होती है। आप कभी भी जब कोई भी प्रकार की वाटर प्रोबायोटिक्स खरीदेंगे तो उसमें आप सेकेरोमाइसिस सेरेविसी करके एक ईस्ट है जो उस प्रोबायोटिक्स में मिला होता है, वो क्या करती है, आपके जो तालाब में जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करती है। साथ ही साथ ये आपके तालाब के अमोनिया लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी मददगार होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अमोनिया सबसे ज़्यादा तालाब के निचले हिस्से में बनती है, और वहाँ पर अगर आपकी बैक्टीरिया, जो अच्छी बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, उसकी मात्रा अगर अच्छे से नहीं है तो आपके अमोनिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो अमोनिया को तोड़ती है, उसको नाइट्रोजन में बदलती है, उस अमोनिया को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए ईस्ट हम लोग तालाब में डालते हैं, ताकि बैक्टीरिया की मात्रा अच्छे से बनी रहे और आपकी अमोनिया को खा करके आपकी अमोनिया लेवल को कंट्रोल करने का काम वो बैक्टीरिया करती है, जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग एज अ प्रोबायोटिक भी तालाब में डालते हैं। उसी में ईस्ट भी उपस्थित होता है, जो आपके बैक्टीरिया के, अच्छे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इस वजह से ईस्ट को आप रेगुलर बेसिस पर अपने तालाब में डालिए। फीड का जो प्रोबायोटिक्स होता है, प्रोबायोटिक्स कहिए या फिर ईस्ट का पाउडर कहिए, दोनों का सेम ही रोल है। तो ईस्ट पाउडर ज़रूर आप अपने एज अ फर्टिलाइज़र फर्मेंटेशन करने के लिए आप तालाब में डालिए, आप अपने मेन्यूर में डालिए, साथ ही साथ आप अपने फीड में भी आप ईस्ट का प्रयोग करिए, और वाटर और सॉइल प्रोबायोटिक्स जो होता है उसको रेगुलर रूप से प्रयोग करिए। प्रोबायोटिक्स बोल रहा हूँ या फिर ईस्ट बोल रहा हूँ, दोनों एक्चुअल में सेम ही हैं, दोनों का सेम ही काम है। तो इस वजह से रेगुलर आप अपने अच्छी कंपनी का जो ईस्ट पाउडर होता है या फिर प्रोबायोटिक्स होता है, उसको आपको अपने तालाब में प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जितना ईस्ट के बारे में मुझे नॉलेज है जिसको, तो मैं आपसे उसको शेयर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए मेरे छत से नज़ारा रात का, शाम का।